जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल गनी एंड आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ ट्राइंजो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ट्राइंजो इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड हाइसेंस पाकिस्तान की सोल डिस्ट्रीब्यूटर है LED TV की। माइडिया के होम अप्लाइंसेस में हम लोग सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमने अपना इन हाउस ट्रायन ब्रांड लॉन्च किया था पाकिस्तान में 2-2.5 साल पहले। तो उसमें हम लोग ऑफ ग्रिड इन्वर्टर कर रहे हैं, अभी पावर सॉल्यूशन भी हम लोग ने इसमें ऐड किया है, तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पाकिस्तान सोलर एक्सपो में भी हमने पार्ट लिया इस दफ़ा। नहीं, होम अप्लाइंसेस हम कर रहे हैं सोलर, हमने LED TV, एयर कंडीशन, वाटर डिस्पेंसर, माइक्रोवेव ओवन, फिर ट्राई ऑन में LED लाइट्स, LED बल्ब्स हमने किए और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, हम लोग ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था। तो बेसिकली इसमें हम लोग को जो ऑफ ग्रिड में था सोलर में आने का मकसद ये था, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बड़ी बढ़ रही है और इसमें बड़ी इनोवेशन क्रिएटिविटी चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग की लाइन भी ऑलमोस्ट यही थी। जैसे ट्राई ऑन हम लोग अपने ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स कर रहे थे, तो इसमें भी हम लोग ने पार्ट लिया है और उम्मीद यही है कि जो नई से नई इनोवेशन आए और जो हम अपनी पाकिस्तान की पब्लिक को जो अच्छे से अच्छी एडवाइस और उनके यूज़ के लिए जो हम प्रेफर कर सकें, वो हम उनको सर्विस दें। नाज़रीन, तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। देखें, इतना मेजर तो इसमें कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि बेसिकली वी ऑल नो दैट वी हैव अ Tier 1 ब्रांड्स लाइक JA, जिनको ट्रीना, कैनेडियन, लॉन्गी, तो मेजर बिजनेस तो इसी में ही है, मेजर रिक्वायरमेंट भी इसी में। अब लोकल हैं तो ऑब्वियस ही बात है, लोकल ये Tier 1 ब्रांड्स वर्ल्ड वाइड हैं, ग्लोबली हैं, तो मेजर 99% काम तो इन्हीं का ही हो रहा है। तो कैनेडियन है, लॉन्जी है, ट्रिना है, इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे जिनको है, जे है, तो ये सारे मतलब ग्लोबली पोजिशन होल्डर ब्रांड्स हैं। ये आपकी बात सही है, लेकिन आई थिंक मैक्सिमम लोगों की ये थिंक टैंक यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एग्जैक्टली सीन ऐसे ही है। आपका जो वर्ल्ड वाइड इतना बड़ा ब्रांड है एप्पल, तो एप्पल की भी मेजर जो प्रोडक्शन है वो चाइना में ही है। चाइना में हर टाइप के ऑप्शंस हैं, मिनिमम से लेके मैक्सिमाइज तक। अब वो आप किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और क्या करते हैं, प्राइस ऑब्वियस ही बात है, चीज़ अच्छी होगी प्राइस भी अच्छी होगी ऑब्वियसली, लेकिन बस ये कि कंट्री की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है कि ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ बाइंग पावर कितनी है किस हिसाब से, लेकिन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लेट्स हैं वो तो हम टॉप टीयर की काम कर रहे हैं। देखिए, दो नंबर और क्वालिटी की तो हम बात नहीं कर सकते इतनी बेसिकली, क्योंकि बेसिकली देखें, ये अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है, ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं रही, चाहे वो आप ऑफ ग्रिड पे जाएं, चाहे वो आप ऑन ग्रिड पे जाएं, चाहे वो आप हाइब्रिड पे जाएं, तो मुझे तो मेरे तो अभी ये सोलर में 2-2.5 साल के एक्सपीरियंस में मुझे तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि लोग इस तरफ जा रहे हैं। इवन के वो जब इतनी मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो गई है तो फिर अच्छी चीज़ पे ही जाते हैं, ब्रांड पे ही जाते हैं। यस,
बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है उस, वो कोई मेजर पार्ट नहीं ले रहे तो इसलिए अभी तक वो इतना वो नहीं। अब वो लोकल भी बन रही हैं या वो इतने बी ग्रेड या सी ग्रेड के ब्रांड्स के ला रहे हैं वो। अच्छा, तो मतलब वो फर्क होता है। दूसरा इसमें ग्लासेस का भी होता है वो मोनो पर्क होता है। मोनो पर्क बेसिकली वो वन साइड होता है, बायोफेशियल बोथ साइड होता है। तो पाकिस्तान में तो 90% अभी तक मोनो पर्क चलता है, तो मोनो पर्क की वैल्यू है, डिमांड उसकी ज़्यादा है। बायोफेशियल भी आ गया है लेकिन यूजेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी मेन रेजिडेंशियल है यूजेज, फिर एग्रीकल्चरल है, फिर आपकी इंडस्ट्रियल है। तो रेजिडेंशियल पे तो मोनो पर्क ही है और इंडस्ट्री पे भी। जी अभी क्योंकि हम लोग ट्राई ऑन इन्वर्टर की बात करेंगे तो हमारे पास ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, जिसमें हमारे पास 1 kV 2 kVA 3.6 और 6 kVA है। तो इसमें तो ऑफ ग्रिड ही लगता है। जहाँ तक पावर सॉल्यूशन की बात है तो पावर सॉल्यूशन तो हम लोग ने अभी तक रेजिडेंशियल भी किए हैं, इंडस्ट्रियल भी किए हैं और कमर्शियल भी चल रहे हैं अभी। ट्राइंजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 2018 में हमने स्टार्ट की थी हाइसेंस एलईडी टीवी से। इसके बाद हम लोग ने 2018 में हम लोग ने 5 ब्रांचेस से स्टार्ट लिया था। फिर इसके बाद 2019 जून में हम लोग ने 4 ब्रांचेस और इम्प्रूव की, जो हमारी सेल्स टीम, वेयर हाउस, हमारी सर्विस सेंटर और जहां हम लोग की ब्रांचेस नहीं वहाँ हम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस देते हैं। आफ्टर सेल में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह अवेलेबल है। यस डेफिनेटली, बिकॉज अगर आप यहाँ एग्जीबिशन में आ रहे हैं तो मिलियन ऑफ पीपल्स आते हैं जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं, जिनकी क्यूरी आपको पता चलती है, जिनको आप कोट करते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि इसमें अलग अलग इसमें ब्रांड्स काम से हट के भी फ्री लांसर्स भी पड़े हैं। तो अब वो कहीं से 20-25 हज़ार का भी डिफरेंस आ जाता है टोटल कोटेशन पे। लेकिन फिर बात यही है कि आफ्टर सेल कंपनी देती है, फ्रीलांसर नहीं देता। तो कंपनी ऑब्वियसली बात है तो एक अच्छा है, अभी भी फुटफॉल बड़ा अच्छा है, क्यूरीज हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आज पहला दिन है, कल का दिन भी है, परसों का भी दिन है, तो अभी तक तो सक्सेसफुल लग रहा है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो डेफिनेटली, क्योंकि हमारा एक ब्रांड है ट्राई ऑन, ऑब्वियसली बात है, तो जो एग्जिस्ट करती है मार्केट्स में उनके साथ तो हम प्राइस कॉम्पीट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली बात है इसमें हम लोग की टेक्निकलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो जो हाई एंड प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइस भी हाई एंड होती है, तो उसके हिसाब से हम करते हैं। जहाँ तक पावर सॉल्यूशन सर्विसेज की बात है तो यस डेफिनेटली इसमें बड़ा कॉम्पिटिटर है। इसमें आपको क्लाइंट आ गया, आपकी क्लाइंट डायरी बन गई और उसमें आपने सर्विस दे दी अच्छी, और वो तो माउथ वर्ड से भी चलता है। तो इस वजह से भी, क्योंकि मेन आपकी आफ्टर सेल है, आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी, आपकी क्वालिटी है कि आप वो किस तरह यूज़ करें, क्योंकि मिलियन ऑफ रुपीज़ की है तो ऑब्वियस ही बात है, आप जब तक अच्छी चीज़ नहीं करेंगे तो आप अपनी क्लाइंट डायरी तो नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म ब्रांड का फ़ायदा ही होता है, लॉन्ग टर्म वो लॉन्ग टर्म का होता है। जब लॉन्ग टर्म होता है तो फिर इस टाइप की चीज़ें हम लोग अवॉइड ही करते हैं, बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बस बेसिकली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इम्पोर्ट के हवाले से थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम एंड यूज़र पे बात करें तो यस डेफिनेटली जो यहाँ मुल्क के फ़िलहाल इन्फ्लेशन है और जो लोगों का हाल है और इनकी नीड भी बन गई है, तो इनको बैंक्स के थ्रू या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालनी चाहिए जिस वजह से लोग इंस्टॉलमेंट पे ये इंस्टॉल कर पाएँ।